नमस्कार किसान भाइयों, मैं कृतिक साहू कृषि फाई खेती समाचार में आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ हेडलाइंस पर। 26 मई को काला दिवस मनाएंगे किसान, नुकसान की भरपाई करेगी सरकार, 31 जुलाई तक करें आवेदन। संकट में फूलों की खेती कर रहे किसान, हो रहा भारी नुकसान। किसानों के लिए ऑफर, ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगा मुफ्त बीमा। किसान ने नौकरी छोड़ पूरा किया बागवानी का शौक। अब खबरें विस्तार से। किसान संगठन 26 मई को काला दिवस मनाएगा। किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने यह घोषणा की है। किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। किसान संगठन ने इस दौरान लोगों से दुकानों, घरों, वाहनों आदि पर काला झंडा लगाने की अपील की है। आपको बता दें, 26 नवंबर से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के किसान दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं और MSP पर कानून बनाने की भी मांग कर रहे हैं। बिहार राज्य फसल सहायता योजना में पंजीयन शुरू हो गया है। धान, मक्का और सोयाबीन की खेती करने वाले किसान आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत खेती में नुकसान होने पर सरकार मुआवजा देती है। जिला और प्रखंड के आधार पर उत्पादन की रिपोर्ट तैयार होती है, इसके आधार पर मुआवजा राशि मिलती है। आप बिहार सरकार की सहकारी विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए 31 जुलाई तक पंजीयन करना होगा। कोरोना का असर अब फूलों की खेती करने वाले किसानों पर भी पड़ रहा है। संक्रमण की वजह से मंडियों में फूलों की खरीद बिक्री बहुत ही कम हो गई है। कई मंडियां बंद पड़ी हैं। ऐसे हालातों में फूल खेतों में ही सूखने लगे हैं। किसान की लागत भी नहीं निकल पा रही है। कोरोना का असर शादी और अन्य कार्यक्रमों पर भी पड़ा है, जिससे फूलों की मांग में बहुत कमी आई है। पिछले साल भी किसानों पर कोरोना का असर पड़ा था। इस साल फूलों की अच्छी बिक्री होने की उम्मीद थी, जिस पर पानी फिर गया है। किसानों का कहना है कि यदि ऐसे ही हालात रहे तो अगली बार फूलों की खेती करना काफी मुश्किल होगा। कोरोना को देखते हुए महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने एक नई स्कीम एम प्रोटेक्ट कोविड शुरू की है। इसके तहत ट्रैक्टर की खरीदी पर किसान को 1 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। योजना के तहत तबियत खराब होने पर ग्राहक को 1 लाख का हेल्थ कवर मिलेगा, साथ ही लोन लेने की भी सुविधा होगी। बढ़ते कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन में यह योजना किसानों के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। आज आपको एक ऐसे किसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपने शौक को पूरा करने के लिए नौकरी छोड़ दी। किसान का नाम है हरीश कनोटिया। कनोटिया जी हिमाचल प्रदेश के कंगारा जिले के निवासी हैं। इन्हें सेब की बागवानी का बहुत शौक है। इसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और बागवानी करने लगे। 3 साल पहले इन्होंने सेब के करीब 410 पौधे लगाए थे, जिसमें फल आना शुरू हो गए हैं। फलों को देखते हुए बहुत अच्छी कमाई की उम्मीद की जा रही है। किसान भाइयों, आप भी सेब की आधुनिक तरीके से खेती करके अच्छा कमाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि भाई खेती समाचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। आज दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।